हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड से बनने वाला बहुत ही ज्यादा कुरकुरा चटपटा और झटपट से बनने वाला नाश्ता, जिसे आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और आपकी छोटी मोटी भूख का इलाज भी कर देगा और आपको हेल्दी भी रखेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातें बताई हैं, कुछ टिप एंड ट्रिक दी है, उसे जरूर फॉलो करना, उससे आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने व्हाइट वाली ब्रेड ली है, जो मैंने 4 स्लाइस ली है। अगर आप ब्राउन ब्रेड से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास व्हाइट ब्रेड अवेलेबल ना हो तो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम इस तरीके से ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइस में तोड़कर डालेंगे। तो ये काम आपको हाथों से ही करना है, मिक्सी जार का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा ये बारीक हो जाएगा और हमें बारीक नहीं चाहिए। तो इस तरह से हल्का हल्का सा हम मोटा मोटा सा इसे तोड़कर डाल देंगे। और अब इसमें हम दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे वो क्या है आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, 2 आलू लिए हैं जो बॉईल करके लिए हैं, ठंडा करके लेना है, फ्रिज में लगा दीजिए 1 घंटे के लिए, ताकि आलू आपके अच्छे से चिल हो जाए। और वेट में बताऊं तो ये 100 ग्राम आलू होंगे और बड़े बड़े आलू हैं। अगर आप छोटे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 4-5 आलू का इस्तेमाल करिएगा। अब जो मोटा वाला ग्रेटर होता है उससे हम ग्रेट करेंगे, बारीक वाले से नहीं करना है। और इस तरह से हम फटाफट ग्रेट कर लेंगे, हाथ से मैश नहीं करना है, उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको ग्रेट करना है और हाथों को और उंगलियों को बचाते हुए लंबे लंबे लच्छे में हम इसे फटाफट ग्रेट कर लेंगे। तो इस रेसिपी में जो जितनी मात्रा में चीजें ऐड कर रही हूँ उतनी ही मात्रा में ऐड करना, कुछ भी अपनी तरफ से मत ऐड करना, नहीं तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना मैं चाह रही हूँ। तो इसलिए पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मोटे मोटे लच्छे में मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको फटाफट डालेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने ब्रेड में। अब इसके अंदर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो है दूध। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है और बॉईल करके ठंडा करना है, कच्चे दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना है। 4 चम्मच हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथों से ही मिक्स करेंगे और कोई ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे अच्छे से आटे के फॉर्म में हम गूंद लेंगे। तो देखिए फटाफट ऐसे ऐसे करने से ही ये मिलना शुरू हो चुका है और अब हम बढ़िया तरीके से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे, ताकि पता ना चले कि आलू और ब्रेड कहाँ गया है। इस तरीके से दोनों को आपस में मिला लेना है। सिर्फ 4 चम्मच दूध डालना, बहुत ज़्यादा दूध डालेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको अच्छे से कर लिया है। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट का रेस्ट देंगे और 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, ताकि अच्छे से ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर सेट हो जाएं। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे, तब तक अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल आटे के फॉर्म में ये आ चुका है, जैसे लग रहा है हमने रोटी का आटा लगाया है। इस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बूंद सरसों का तेल, जो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सरसों का तेल डालने पर। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग घी और बटर इस्तेमाल कर लेना, अगर हो तो सरसों का तेल ही डालना। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज की प्याज डालेंगे, जो हमने मोटी मोटी चॉप कर ली है, और 1 प्याज काफ़ी है, ज़्यादा प्याज नहीं डालनी है। अब हम नाश्ते की जान डालेंगे फ्रेश हरा धनिया 3 से 4 चम्मच। अगर आप लोग इतना नहीं खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। अगर जो लोग धनिया नहीं खाते वो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाला डालना। 1 ग्रीन चिली डाल देंगे, जो हमने मोटी मोटी चॉप कर ली है। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना खाते हो। 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। 1/2 चम्मच साबुत जीरा। 1/2 चम्मच चाट मसाला, आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, मैंने होममेड डाला है। 1/2 चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच तक बेसन डालेंगे, मोटा महीन जो भी बेसन हो डाल सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, ताकि ये कुरकुरा बने, सिर्फ 2 चम्मच डालना है, बड़े बड़े 2 चम्मच। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा इस रेसिपी के अंदर। इस रेसिपी को हमें दूध के साथ बनाना है, ताकि नमी भी रहे और काफ़ी खाने में मुलायम और क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है और नमी जो होगी उसको हमें ख़त्म करने के लिए चावल का आटा जरूर डालना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप लोग क्या डाल सकते हैं, आप लोग सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं, या मैदा डाल सकते हैं, या फिर बेसन को बढ़ा सकते हैं, यानी मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, आप 4 चम्मच डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिल्कुल ही पानी नहीं डाला, तब भी कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे शेप देंगे। तो थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, ताकि ये चिपके ना, और इस तरीके से हमें तेल लगा लेना है और बढ़िया तरीके से अपने हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे। अब हमें
इसका थोड़ा सा पार्टीशन लेना है, जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं, फोर एंगल बना सकते हैं, थ्री एंगल बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं इसे बहुत ही डिफरेंट शेप दूंगी, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मुझे भी काफ़ी पसंद होता है, और मैं इसे रोल शेप में बनाऊंगी, जो ये सिलेंडर वाला शेप होता है, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे बना के फ्रिज में लगा सकते हैं जब आपके मेहमान आए, या रोजा सल्ला सारी टाइम में भी आप इसे निकाल के फ्रिज से फटाफट बना सकते हैं, यानी डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज्यादा ना बड़ा बनाना है ना बहुत ज्यादा छोटा, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, तभी ये रेसिपी आप स्टोर कर पाएंगे। तो देखिए, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से बाइंड करने के बाद हम इसे इस तरह से करेंगे और साइड साइड से लॉक कर देंगे। और कुछ भी चीज़ें इसके अंदर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोटिंग वगैरह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो काफ़ी कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से बना लिया, आधे मैंने फ्रिज में लगा दिए, अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाकर आपको दिखाते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रखा है यानी कढ़ाई रखी है, आप चाहे तो पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने तेल रखा है, बहुत ज़्यादा भर के तेल नहीं रखना है, और जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसको डाल देंगे और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है, और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे अगर आप मेरी टिप को फॉलो करके बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, अगर आपका कढ़ाई छोटी है तो आप इसे दो बैचेस में बना सकते हैं, मेरी कढ़ाई बड़ी है तो मैं इसे एक बैचेस में बनाऊंगी। दो मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, दो मिनट बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड, दो मिनट हो चुके हैं, दो मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं किया था। अब हम इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से या चम्मच से इस तरह से घुमा देंगे, और इसे दूसरे साइड से भी दो मिनट पका लेंगे, तो बहुत ही प्यारा कलर आएगा, तभी हम इसे निकालेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो फ्रेंड, दो मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से डन हो गए। अब हम क्या करेंगे, 10 सेकंड इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये कुरकुरे बन जाए। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और कितने अच्छे से शेप इसका वैसा का वैसा है जैसे मैंने डाला था। शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा अगर आप मेरी टिप को फॉलो करेंगे। तो ज्यादा मात्रा में चीजें मत ऐड करना, बहुत ही कम चीजों से, लिमिटेड चीजों से बन जाता है। और ये देखिए इसका रिजल्ट, ओए होए कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल कर सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका हमारा ब्रेड का ये अमेजिंग सा नाश्ता। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, करारा है, अंदर से सॉफ्ट है, फ्लफी है, ये देखिए इस तरीके से। और आप इसे इंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वो रेसिपी को अगली ही बार बनाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और कोरोना फिर से फैल गया है, बाहर मत निकलिए। बाय एंड टेक केयर।